बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 10 है, जो कि सेमीकंडक्टर्स और यूजेस ऑफ लेड कंपाउंड्स इन पेंट्स के हवाले से है। यानी पेंट में लेड कंपाउंड का क्या रोल होता है या उनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है पेंट्स में। सबसे पहले डेफिनेशन सेमीकंडक्टर की। ए सेमीकंडक्टर इज ए सब्सटेंस that has different resistances to the passage of electric current under different circumstances। yani ki semiconductor aisa substance hai jiski resistance mukhtalif hoti hai, kiske liye resistance electric current ke pass hone ke liye resistance different hoti hai under different circumstances। yani ki agar aap condition change kar denge to resistance change ho jayegi electric current ke pass hone ke liye, तो ऐसे सब्सटेंस को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल, सेमीकंडक्टर इंक्लूड एलिमेंट जर्मेनियम, सिलीनियम, सिलिकॉन। दीज आर द एलिमेंट्स विच एक्ट एज सेमीकंडक्टर। तो ये एलिमेंट्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। इनमें जर्मेनियम है ग्रुप 4 का, सिलीनियम है जो है ग्रुप 6 का, और सिलिकॉन ये भी ग्रुप 4 का है ये एलिमेंट। तो दीज एलिमेंट बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड दे एक्ट एज सेमीकंडक्टर। देयर आर आल्सो कंपाउंड एंड द कंपाउंड लेड सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कैडमियम सल्फाइड, लेड टेलुराइड, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमोनाइड। दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच आई हैव डिस्क्राइब नाउ। दीज आर द कंपाउंड, ये कंपाउंड हैं जो कि सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। दिस कंपाउंड आल्सो एक्ट एज सेमीकंडक्टर। सो एलिमेंट कैन आल्सो एक्ट एज सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड कैन आल्सो एक्ट एज सेमीकंडक्टर। तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही सेमीकंडक्टर का काम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। सेमीकंडक्टर conduct electricity better than insulator। what are insulator? insulator are substances through which electricity cannot pass। insulator aise substances hote hain jinme se electric current nahi guzar sakti। aur semiconductor kya hote hain? ye insulator se better conduct karte hain electricity, insulator se behtar hote hain, but not as well as good conductor लाइक मेटल। लेकिन ये जो है इतने बेहतर कंडक्टर नहीं होते जैसे कि मेटल होती हैं। तो ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर से बेटर होते हैं, लेकिन कंडक्टर जो होते हैं मेटल उनसे अच्छे नहीं होते, उनसे कम कंडक्टर होते हैं। दिस गिव्स देम देयर नेम विच मीन्स हाफ कंडक्टर। तो ये दरमियान में आ जाते हैं इंसुलेटर से बेटर और जो मेटल से लेस, कंडक्टर से लेस बेटर। तो इन बिटवीन दे ऑक्यूपाई ए पोजीशन इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सो दैट वी कॉल देम हाफ कंडक्टर। तो हम इन्हें हाफ कंडक्टर कहते हैं। हाउ वेल दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड अपॉन देयर टेम्परेचर। सो टेम्परेचर change will affect the passage of electricity through semiconductor। अगर आप temperature change करेंगे तो semiconductor की जो passage of electricity होगी, current गुजरने की capacity होगी, ability होगी, सलाहियत होगी, उसमें फर्क आ जाएगा। When a metal is heated its resistance increases। जब आप metal को गर्म करते हैं तो उसकी resistance यानी कि current का flow कम हो जाता है। When a semiconductor is heated, its resistance decreases। इसकी मजामत कम हो जाती है और करंट का फ्लो बढ़ जाता है। In case of semiconductor, on heating it, it show better passage of electric current through the semiconductor। तो अगर आप semiconductor को टेम्परेचर गर्म कर देंगे तो इसमें से करंट अच्छी पास होगी, ज्यादा पास होगी, और जो मजामत होगी करंट के खिलाफ वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है वो आगे हम देखते हैं।
सेमीकंडक्टर आर आल्सो सेंसिटिव टू लाइट। सेमीकंडक्टर लाइट सेंसिटिव भी होते हैं, यानी कि लाइट अगर कम ज्यादा करेंगे, चेंज करेंगे, इफ वो चेंज द लाइट ऑन, लाइट फॉलिंग ऑन द सेमीकंडक्टर, द सेमीकंडक्टर विल शो डिफरेंट रेजिस्टेंस। तो अगर हम जो है वो सेमीकंडक्टर के ऊपर लाइट जो हम फेंकेंगे, लाइट कम ज्यादा फेंके, तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस जो होती है और इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो चेंज हो जाता है। द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट दैट शाइन ऑन देम द बेटर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उनके ऊपर, इतनी ज्यादा ही उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। तो लाइट ज्यादा करने से जैसे और हीट ज्यादा करने से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास होती है सेमीकंडक्टर से। The effect that light and heat energy have on semiconductor make them useful. ये जो effects हैं light के और heat के, ये semiconductor को इंतहाई मुफीद बना देते हैं। They are used in photoelectric cell and solar battery. ये आपके पास एक picture है, ये solar battery है, this is solar battery. तो ये जो light वाला effect है, ये लाइट वाला इफेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में और सोलर बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। सोलर पैनल घर में लगाए जाते हैं, वो सोलर बैटरी होती है। ये सोलर पैनल जो सोलर पैनल होते हैं, इनकी मदद से हम अपने घरों में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं सूरज की रोशनी से। द इलेक्ट्रॉन ऑफ सेमी कंडक्टर डू नॉट कैरी इलेक्ट्रिक करंट एज रेडिली एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर लाइक मेटल। तो जो सेमी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट इतनी अच्छी नहीं गुजरने देते जितने के मेटल जैसे कंडक्टर में से पास होती है इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि सेमी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन इतना अच्छा फ्लो नहीं करते जितना के मेटल के इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। हाउएवर व्हेन द एटम ऑफ द मटेरियल एब्जॉर्ब हीट और लाइट, द इलेक्ट्रॉन बिकम लेस टाइटली बाउंड टू देयर एटम। अलबत्ता जब सेमीकंडक्टर के जो एटम होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट जज़ब करते हैं, या लाइट जज़ब करते हैं, रोशनी जज़ब करते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, लेस टाइटली बाउंड टू देयर एटम। यानी कि वो अलग हो जाते हैं एटम से, थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, आसानी से हरकत कर सकते हैं। दे कैन नाउ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इनमें से अच्छी करंट पास होती है। तो ये आपने वजह देखी ऊपर, ये लाइट और हीट फेंकने से अच्छी करंट क्यों पास होती है, क्योंकि लाइट और हीट फेंकने से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं, आसानी से मूव करते हैं। तो इसलिए सेमीकंडक्टर लाइट और हीट की मौजूदगी में अच्छी करंट पास करते हैं, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अनदर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर इज द वे दे बिहेव व्हेन दे आर जॉइंड टू अनदर मटेरियल। एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, खास किस्म की खसूसियत सेमीकंडक्टर शो करते हैं, वो क्या होती है, ये इनका रवैया होता है जो कि वो दिखाते हैं जब इन सेमीकंडक्टर को किसी दूसरे मटेरियल के साथ ज्वाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, विच मे बी ए मेटल आर ए डिफरेंट सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर को जिससे हम जोड़ते हैं वो मेटल भी हो सकती है, वो एक और सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। द जंक्शन बिटवीन the different material form a boundary. जो junction होता है इनके दरमियान वो boundary बनाता है। Boundary क्या करती है? It allows electricity to pass more properly and is used in transistor. और ये boundary जो होती है, ये current को, इस तरह जब हम जोड़ते हैं semiconductor को किसी metal के साथ या semiconductor के साथ, तो इसके नतीजे में electricity ज्यादा अच्छी गुजरती है semiconductor से, और ये चीज ट्रांजिस्टर बनाने में इस्तेमाल की जाती है। ट्रांजिस्टर मच स्मॉलर
and less complicated than old fashioned electronic tubes. तो जो कैथोड रे ट्यूब होती हैं, पुराने जो टीवी थे जिनमें कैथोड रे ट्यूब होती थी, उनकी जगह जो है वो, या ये जो मॉनिटर वगैरह हैं उनकी जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। कंप्यूटर के अंदर भी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं बजाय कैथोड रे ट्यूब इस्तेमाल करने के। दे आर यूज इन रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। तो ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि एक सेमीकंडक्टर को किसी मेटल से मिलाने से बनते हैं या एक सेमीकंडक्टर को किसी दूसरे सेमीकंडक्टर के मिलाने से बनते हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं रेडियो में, टेलीविजन में, कंप्यूटर में और कैलकुलेटर में। तो इससे इससे यहाँ से हमने क्या सीखा कि सेमीकंडक्टर को जब हम किसी और सेमीकंडक्टर से मिलाते हैं या किसी मेटल के साथ ज्वाइन करवाते हैं तो नतीजे में से उससे अच्छी करंट पास होती है और इसको ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल करते हैं। ये एक सेमीकंडक्टर की डायग्राम है। ये पी टाइप सिलिकॉन, एन टाइप सिलिकॉन, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो पी टाइप जो है, देखिए इसमें वो पॉजिटिव चार्ज होल भी हैं और यहाँ से एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं पॉजिटिव वाली साइड पर। तो ये एक वो सनलाइट पड़ती है यहाँ से, जो है होल क्रिएट हुए और इससे फिर ये इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाती है इसमें। ये दरमियान में जंक्शन है ये वाला, ये जो बाउंड्री है लगी हुई है ये जंक्शन का काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूजेस ऑफ लेड कंपाउंड इन पेंट्स। लेड के कंपाउंड का पेंट में क्या इस्तेमाल होता है? सिर्फ पेंट में नहीं है इस्तेमाल, इस्तेमालात बहुत ज्यादा हैं इसके। वेरियस ऑक्साइड ऑफ लेड, बेसिक लेड कार्बोनेट, ये एक और कंपाउंड है, एंड लेड क्रोमेट आर कॉमनली यूज एज पिगमेंट इन पेंट्स। पिगमेंट क्या मतलब? पिगमेंट होते हैं कलरिंग कंपाउंड या सब्सटेंसेस, ऐसी चीजें जो कलर पैदा करती हैं या कलर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, उनको पिगमेंट कहते हैं, रंगों के तौर पर जो इस्तेमाल होती हैं। तो लेड, बेसिक लेड कार्बोनेट और लेड क्रोमेट, ये कंपाउंड जो और ऑक्साइड जो है इस तरह से, यानी कि लेड की ऑक्साइड, बेसिक लेड कार्बोनेट और लेड क्रोमेट, ये तमाम कलरिंग सब्सटेंस यानी कि पिगमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, रंगों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं पेंट के अंदर। सबसे पहले लेड सब ऑक्साइड, इट इज ब्लैक पाउडर ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग प्लम्बस ऑक्सलेट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये एक ब्लैक पाउडर होता है, इसको जब हम प्लम्बस ऑक्सलेट, ये कंपाउंड है एक ऑक्सलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिया गया ऑक्सैलिक एसिड से, और प्लम्बस लेड है, तो लेड ऑक्सलेट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर जो मौजूदगी में ये प्लम्बस ऑक्सलेट है। ये देखें PbC2O4, इसको हीट करते हैं हवा की गैर मौजूदगी में तो लेड सब ऑक्साइड बनता है Pb2O और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये यहाँ पर मौजूद है हमारे पास लेड सब ऑक्साइड, ये देखें यहाँ पर इसकी पिक्चर है हमारे पास, ये ब्लैक कलर का पाउडर होता है। लेड सब ऑक्साइड इज डिकम्पोज बाई हीट इन टू लेड एंड लेड मोनोऑक्साइड। तो लेड को जब हीट करते हैं लेड सब ऑक्साइड को, तो ये लेड और लेड मोनोऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। अदर पिगमेंट, इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ लेड स्टोरेज बैटरीज। पिगमेंट के अलावा ये लेड स्टोरेज बैटरी में भी इस्तेमाल होता है, इसको पिगमेंट में इस्तेमाल, लेड स्टोरेज बैटरी में भी इस्तेमाल करते हैं, जो मतलब है ये कारों में जो बैटरीज इस्तेमाल होती है उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है, कारों और मोटरसाइकिल के अंदर जो बैटरी होती है। नेक्स्ट लेड मोनोऑक्साइड, लिथार्ज, मैसिकॉट, इनके ये दूसरे नाम हैं, ये कॉमन नेम्स हैं इसके। केमिकल नेम लेड मोनोऑक्साइड है और लिथार्ज और मैसिकॉट इसके कॉमन नेम है, आम नाम है इनके। फार्मूला PbO। तो इस तरह से लिथार्ज वेरीज इन कलर फ्रॉम पेल येलो टू रेडिश येलो। लिथार्ज का कलर तब्दील हो जाता है, जर्द से रंग से लेकर सुरख रंग भी हो सकता है, रेडिश येलो पीला भी हो सकता है, ये सुर्खी माइल पीला भी हो सकता है, जर्द पीला जर्द भी हो सकता है और सुर्खी माइल जर्द भी।
इट इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ टू फॉर्म्स, रोम्बिक येलो एंड टेट्रागोनल रेड। अगर आपको फर्स्ट ईयर का चौथा चैप्टर याद हो तो हमने क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस पढ़ी थी, तो लेड मोनोऑक्साइड की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये रोम्बिक वाली जो है येलो होती है, ये देखिए ये रोम्बिक है इधर, ये लेफ्ट साइड पर ये येलो है, और टेट्रागोनल रेड ये देखें राइट साइड पर, ये टेट्रागोनल रेड, ये टेट्रागोनल ये रेड वाली है, और ऊपर जो है ये देखें थोड़ा सा रेडिश येलो सा ये कंपाउंड है, ये मिक्सचर है ये दोनों का। तो इसके दो रंग क्यों होते हैं, ये रेडिश येलो क्यों होता है, इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म रोम्बिक भी होती है येलो कलर की, और टेट्रागोनल क्रिस्टलाइन फॉर्म भी होती है रेड कलर की। तो दोनों फॉर्म, दोनों ये क्रिस्टलाइन फॉर्म दो तरह के क्रिस्टल होने की वजह से इसकी येलो रेड फॉर्म होती है। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कम हल होता है। इट इज यूजली यूज इन प्रिपेयरिंग फ्लिंट ग्लास एंड पेंट्स, आतशी शीशा, फ्लिंट ग्लास। तो आतशी एक खास किस्म का शीशा होता है ये, उसको बनाने के लिए ये लेड मोनोऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, और जो पेंट है पेंट में ये कलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इफ लिथार्ज इज बॉइल्ड विद वाटर एंड ओलिव ऑयल, अगर लिथार्ज यानी कि लेड मोनोऑक्साइड को पानी और जैतून के तेल के साथ गर्म उबाला जाए, लेड ओलिएट स्टिकी एडेसिव मैस इज फॉर्म, इससे क्या बनता है, जब आप लिथार्ज को बॉयल करते हैं पानी और ओलिव ऑयल जैतून के तेल के साथ, तो लेड ओलिएट बनता है इस फॉर्म, एंड ग्लिसरीन पासेस इनटू द सॉल्यूशन, और लेड ओली इसमें से ओलिव ऑयल से ग्लिसरीन अलग होकर सॉल्यूशन के अंदर चली जाती है। लिथार्ज इज यूज इन प्रिपेयरिंग ऑयल्स एंड वार्निशेस, ये ऑयल भी इस्तेमाल करने में इस्तेमाल होता है, और वार्निशेस भी, ये जो फर्नीचर वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं वार्निश, फर्नीचर को रिफ्रेश करने के लिए, ताजा करने के लिए वार्निश इस्तेमाल की जाती है, एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लिंट ग्लास, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, ये फ्लिंट ग्लास आशी शीशा बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये इसके इस्तेमाल हैं लेड मोनोऑक्साइड के। उसके बाद ट्राइपलम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, ये केमिकल नेम है, इसके कॉमन नेम रेड लेड, इसको मिनियम भी कहते हैं, केमिकल फार्मूला Pb3O4। ट्राइपलम्बिक, देखें प्लम्बिक के तीन, लेड के तीन एटम, ट्राइपलम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, ऑक्सीजन के चार एटम है। हिंदू जो लोग हैं वो इस ट्राइपलम्बिक टेट्रा ऑक्साइड को सिंदूर, हिंदू औरतें इसको सिंदूर के तौर पे लगाती हैं माथे पर, तो ये जो ट्राइपलम्बिक टेट्रा ऑक्साइड ये सिंदूर भी होता है, सिंदूर के तौर पे इस्तेमाल होता है। When lead is heated in air, when lead is heated in air at about 340 degree centigrade, जब lead को हम heat करते हैं, गर्म करते हैं 340 degree centigrade पर, it absorbs oxygen and form bright scarlet crystalline powder of red lead arminium. तो ये जब हम lead को गर्म करते हैं 340 degree centigrade पर, ये ऑक्सीजन जजब करता है, और ब्राइट स्कारलेट, ब्राइट का मतलब शोक, स्कारलेट का मतलब होता है शंग्रफी, सुरख रंग होता है ये एक तरह का, ये भी रेड कलर, देखें यहाँ पर ये रेड लेड है, शोक सुरख रंग का कंपाउंड होता है। क्रिस्टलाइन पाउडर ऑफ रेड लेड और मिनियम, तो रेड लेड और मिनियम बन जाता है इससे, ये ब्राइट रेड कलर का होता है, स्कारलेट कलर का, ये शंग्रफी कलर होता है, सुरख शोक सुरख रंग होता है। ये रिएक्शन दिया हुआ है प्रिपरेशन का, 3Pb+2O2 गैस गिव्स अस Pb3+Pb3O4 सॉलिड, ये सॉलिड मिलता है इसमें। इट डीकम्पोजेस एट 470 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 470 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीकम्पोज हो जाता है, Pb3O4 सॉलिड गिव्स अस 6 मोल ऑफ लेड मोनोऑक्साइड एंड O2, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ये डिकम्पोज होता है 470 डिग्री सेंटीग्रेड पर। रेड लेड इज यूज फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस, रेड लेड
एक वैरायटी के पर्पस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इट्स प्रिंसिपल यूजेस आर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टोरेज बैटरीज। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या है? ये लेड स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज एज पिगमेंट इन पेंट्स अप्लाइड टू स्टील और आयरन टू रिटार्ड कोरोजन। आपने देखा होगा जो है वो ये दरवाजे वाले जो होते हैं वो सुर्ख सुर्ख रंग के ऊपर पेंट वो होता है, वो उसके ऊपर रेड लेड का सोल्यूशन जो होता है वो पेंट होता है उसको वो अप्लाई करते हैं। इसका जो पेंट होता है रेड लेड का, ये स्टील के ऊपर और लोहे के ऊपर लगाया जाता है, जिसे रिटार्ड का मतलब होता है कम हो जाना, कोरोजन का जंग जंग लगना कम हो जाता है, जिससे कम जंग लगता है, आसानी से जंग नहीं लगता। इट इज यूज एज ए इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लास मैचेस एंड सिरेमिक ग्लेजेस। ये इस्तेमाल होता है एक पार्ट हिस्से के तौर पर, इंग्रेडिएंट के तौर पर, आतशी शीशा बनाने में, माचिसें बनाने में और सिरामिक ग्लेजेस बनाने में। ग्लेजेस के बारे में आपने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब डालते हैं हम किसी गरम गरम मिट्टी के बर्तन के ऊपर तो उसके ऊपर एक लेयर तय बना देते हैं जिससे वो गीली नहीं होती होता है। नंबर फोर, लेड डाइऑक्साइड PbO4। व्हेन रेड लेड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट इज डिकम्पोज इन टू लेड नाइट्रेट एंड लेड डाई ऑक्साइड। जब रेड लेड जो ऊपर हमने पढ़ा है अभी Pb3O4, इसको जब हम नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है रेड लेड और लेड नाइट्रेट बनाता है, लेड डाई ऑक्साइड बनाता है। ये Pb3O4 रेड लेड 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड gives us lead nitrate, lead dioxide and water. Lead dioxide is reddish brown powder. देखिए यहाँ पर ये powder नजर आ रहा है reddish brown color का यहाँ पर। It is not very soluble in water. ये पानी में dissolve नहीं होता, हल नहीं होता इतना। But it dissolves in alkaline water to yield soluble plumbates. यानी कि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और लेड डाइऑक्साइड पानी में डालेंगे तब ये लेड डाइऑक्साइड पानी में हल हो जाएगा और सॉल्युबल प्लम्बेट्स बनाएगा। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन से इस डाइल्यूट एसिड का कोई असर नहीं होता लेड डाइऑक्साइड के ऊपर। अगर आप लेड डाइऑक्साइड के ऊपर डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। उस नंबर फाइव है हमारे पास व्हाइट लेड बेसिक लेड कार्बोनेट। केमिकल फार्मूला देखें इसका, 2PbCO2CO3.PbOH2 इज एन एमार्फिस व्हाइट पिगमेंट। ये एमार्फिस पाउडर पाउडर देखें, पाउडर है हमारे पास, ये व्हाइट कलर का पाउडर है, ये एमार्फिस व्हाइट पाउडर होता है, पिगमेंट होता है, ये व्हाइट कलर के पिगमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये केमिकल फार्मूला है व्हाइट लेड का, 2PbCO3.PbOH2। इट मिक्सेस रेडिली विद लिनसीड ऑयल। लिनसीड कहते हैं अलसी, अलसी के बीज होते हैं तो वो मिल जाते हैं पंसार से, मतलब है वो तो उसमें लिनसीड ऑयल जो अलसी का तेल होता है उसके अंदर हम इसको मिला मिक्स करते हैं। एट हैज गुड कवरिंग पावर, और इसकी अच्छी कवरिंग पावर, ऑयल पेंटिंग में इस्तेमाल होता है ये, अच्छी कवरिंग पावर होती है। इफ इम्प्रॉपरली प्रिपेयर, अगर आप इसे इम्प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से तैयार नहीं करेंगे, इट बिकम्स क्रिस्टलाइन, इसके क्रिस्टल बन जाते हैं एंड इट्स कवरिंग पावर इज रिड्यूस्ड। और ये जो कवर करता है, ढांप लेता है चीज़ों को, ये पावर कम हो जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि आप चीनी आप लें और शुगर, चीनी आपने घरों में देखी होगी, और नमक लें, आप चीज़ों को ढांपें, नमक से किसी चीज़ को ढांपें,
सॉरी नमक कह रहा हूँ, ये आटे से किसी चीज़ को डांपे या चीनी से किसी चीज़ को डांपे तो अच्छी जो है किस तरीके से डांप सकते हैं आप? तो आप कहेंगे कि आटे की मदद से हम अच्छे तरीके से किसी चीज़ को डांप सकते हैं। वजह, आटा जो होता है वो एमार्फस होता है, उसकी कवरिंग पावर अच्छी होती है, जबकि चीनी के बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं उनमें गैप रह जाएंगे, तो क्रिस्टल जो होते हैं वो कवरिंग पावर कम कर देते हैं। तो अगर हम अच्छे तरीके से तैयार नहीं करेंगे व्हाइट लेड को तो इसके क्रिस्टल बन जाएंगे जिसकी वजह से कवरिंग पावर कम हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप आटे की मदद से चीज़ों को अच्छा कवर कर लेते हैं, लेकिन चीनी के क्रिस्टल से आप चीज़ों को अच्छा कवर नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिस्टल में गैप रह जाएगा, खाली जगह रह जाएगी। व्हाइट लेड इज नॉट सूटेबल फॉर यूज एज गुड पिगमेंट। व्हाइट लेड पिगमेंट के तौर पर अच्छा नहीं है, यानी कि हम इसे पेंटिंग में इस्तेमाल, इसको बंद कर दिया गया इस्तेमाल। वजह क्या है? सिंस इट इज डार्केंड डार्केंड बाई दी हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन दी एटमोसफेयर। ये ब्लैक हो जाता है, ये व्हाइट लेड पिगमेंट है, अगर आप पेंटिंग में इस्तेमाल करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो फिजा में पाया जाता है उससे रिएक्शन करके ये ब्लैक हो जाएगा, लेड सल्फाइड बनेगा जो कि ब्लैक कंपाउंड होता है, और पेंटिंग का कलर जो होगा वो ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6, लेड क्रोमेट PbCrO4। इट इज यूज एज पिगमेंट अंडर द नेम ऑफ क्रोम येलो। ये पिगमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है क्रोम येलो के नाम से, तो क्रोम येलो के नाम से पिगमेंट के तौर पे ये बिकता है। ऑरेंज आर रेड बेसिक रेड क्रोमेट आर फाउंड व्हेन दी लेड क्रोमेट इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट अल्कली हाइड्रोक्साइड। ऑरेंज कलर का ये देखिए, ऑरेंज कलर है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा सा ऑरेंज कलर है। आर रेड बेसिक लेड क्रोमेट्स, सुरख रंग का भी हो सकता है ये लेड बेसिक लेड क्रोमेट। ये बनते हैं आर फॉर्म बनते हैं, कब बनते हैं? जब आप लेड क्रोमेट को बॉयल करते हैं डाइल्यूट अल्की हाइड्रोक्साइड के साथ और उनको पिगमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो ऑरेंज और जो रेड बेसिक लेड क्रोमेट होते हैं जो कि लेड क्रोमेट से बनते हैं, तो इनको हम पिगमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दिस स्टेबल येलो मॉडिफिकेशन, जब हम इसमें थोड़ी सी तरमीम करते हैं, चेंजेस लाते हैं इसके अंदर, और जो येलो कलर का पिगमेंट बनता है ऑफ लेड क्रोमेट इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक आपको याद होगा किस लाइन फार्म है, फर्स्ट के चैप्टर 4 में पढ़ी थी हमने, जिसकी लेंथ बराबर नहीं होती, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। मिक्सचर ऑफ लेड क्रोमेट विद लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट इज आल्सो यूज्ड एज येलो पिगमेंट। जो लेड क्रोमेट के लेड सल्फेट या बेरियम सल्फेट के साथ मिक्सचर होते हैं उनको येलो पिगमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लेड क्रोमेट में लेड सल्फेट भी डाल सकते हैं या बेरियम सल्फेट भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं येलो पिगमेंट के तौर पर। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दी अबव टॉपिक्स, डिफाइन सेमीकंडक्टर एंड गिव एग्जांपल। तो इस सबसे टॉप पर हमारे पास हमने पढ़ा था टॉपिक, पहला पहला टॉपिक। उसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड हीट ऑन सेमीकंडक्टर, हीट और लाइट का क्या इफेक्ट होता है? हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं, तो ये यहां तक लिखेंगे, 3 लाइनें होंगी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिखेंगे आप। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ वेरियस लेड कंपाउंड, इनका मेन इस्तेमाल क्या है? वैसे तो पेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, आप ये लाइन लिख दें, अगर आप यहाँ पे शुरू में जो लाइन दी हुई है ये वाली, वेरियस लेड ऑक्साइड बेसिक लेड कार्बोनेट लेड क्रोमेट यूज एज पिगमेंट इन पेंट, ये इनका मेन यूज है पिगमेंट इन पेंट्स, तो पेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इनको रंगों के तौर पर। इसके अलावा फ्लिंट ग्लास, आच्छी शीशा, और इसके अलावा जो है वो स्टोरेज बैटरीज, उनके अंदर भी इस्तेमाल होता है ये। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।